ये चेक करो अपना, पप्पी आ रहा है मेरे पीछे पीछे गए। अभी तक मेरे भाई को पता नहीं है, कल ब्लॉग अपलोड करूंगा तो सरप्राइज हो जाएगा, एंड उसके बाद ना मेरे को पक्का कॉल करने वाला है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज इस ब्लॉग को स्टार्ट कर रहा हूँ इस प्लॉट से, एंड अभी गाइस शाम हो चुकी है। आज ब्लॉग शाम को शूट कर रहा हूँ, शाम के बज चुके हैं समथिंग 5:30 या 5, एंड आज ना गाइस दोपहर के अंदर इतना ज़्यादा एक्साइटेड ना था ना उससे मिलने के लिए अपने डॉग से। सुबह में उसके पास गया था, बट आज सुबह में ना गाइस थोड़ा ब्लॉग भी ना लेट ही अपलोड हुआ था, एंड आज लाइट गई हुई थी तो अपनी वाईफाई की दिक्कत, एंड उसकी वजह से ना पूरा मूड ऑफ हो रखा था थोड़ा। बट गाइस अभी जाके थोड़ा ठीक हूँ, एंड अभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया शाम को 5:30 बजे आज, नहीं तो हमेशा तो आपको पता है मैं सुबह सुबह स्टार्ट कर देता हूँ 5, 5:30, 6 बजे से, यानी जितने भी बजे करो बट सुबह कर देता हूँ गाइज। अभी ना शाम को ब्लॉग स्टार्ट किया, एंड रात को गाइज मामा जी आ चुके थे 3:30 या 4 बजे समथिंग आए थे रात को ना। मामा जी गए हुए थे सालासर हनुमान जी के दर्शन करने, एंड उनके आसपास वाले दोस्त वगैरह वो सब कुछ गए हुए थे ना, तो गाइज मामा जी वहाँ पे गए हुए थे। मेरे को तो घर पे गए ना तब पता चला था, एंड रात को लेट भी हो गई थी आपको पता है, 11:30, 10:30 हो चुके थे रात को घर पे गया था तो उतने के अंदर। एंड अभी ना गाइज शाम हो चुकी है, अभी आपको अंदर चलता हूँ, एंड रोमियो दिखाता हूँ, एंड गाइज शाम को चले गए ना अपन वापस ना अपने डॉग के पास, एंड मामा जी को पूछता हूँ यार मामा जी ने क्या नाम सोचा है उसका, कुछ तो सोचा होगा, बट जो गाइस आप कहोगे ना मैं तो वही नाम लूँगा उसका, एंड मैं तो वही मैं नाम रखूँगा। मामा जी को सजेस्ट करूँगा, मामा जी को कहूँगा कि ये देख लो मामा जी अच्छा नाम है, ऐसा नहीं कहूँगा आपने कहा है, बट कहूँगा ये अच्छा नाम है, अगर मामा जी को अच्छा लगा तो मामा जी वही कह देंगे, नहीं तो गाइस अपन तो वही रखेंगे जो आप कहोगे कमेंट के अंदर। अभी चलते हैं अंदर, एंड आपको दिखा दूँगा इस रूम में, बिकॉज मामा जी ना ऊपर बैठे हैं उसलिए ना ब्लॉग यहाँ पे आकर शूट करना पड़ रहा है, एंड नई लोकेशन पे, सेकंड बात नई लोकेशन पे गाइज हमेशा अंदर अंदर शूट करता हूँ ना, तो आज मैंने सोचा चलते हैं रोमियो के उस प्लॉट के अंदर एंड शूट करते हैं। तभी आज मस्त पहुंचा था अंदर, एंड ये चेक करो गाइज अपना रोमियो मस्त ना खड़ा है। अभी ना दोपहर के अंदर खड़ा खड़ा थक जाता है ना, तो अभी अपन कुछ भी कर सकते हैं 1 घंटे तक, तब तक ना दाने का टाइम नहीं हुआ ना तो कुछ नहीं करेगा अपना रोमियो अभी तो पता नहीं, बट अभी कुछ देर पहले आया था हाथ वगैरह सब कुछ लगा के गया था इसको, तो अभी देखो वापस से ब्लॉग, मेरे को लगता है ये फ्लैश से डरता है, थोड़ा अंधेरा है ना अंदर तो मैंने फ्लैश ऑन किया तो हो सकता है उससे डरे थोड़ा बहुत, तो वो गाइस उसका कुछ नहीं कह सकते, किसी भी चीज़ से डर सकता है। सुबह में ना मैंने थोड़े वो खाए थे अनार चिक्कू, तो गाइस मैंने सोचा थोड़ा रोमियो को दे दूँ, बट मेरे पास क्या था वो अखबार था, अखबार के ऊपर रख के खाया था मैंने, तो अभी चेक कराता हूँ, जैसे कि आवाज़ अखबार की आवाज़ आएगी ना, ये देखो अखबार है, ये देखो अभी अपने आप डरेगा, ये देखो मत कुछ सी कैसे भी डरता है गाइस, ये इसका डर निकालना है मेरे को बस, इसीलिए मैं सुबह ना उससे डरा के दौड़ाता हूँ ताकि इसका ना डर निकल जाए, ये सोचे कि कुछ नहीं करेगा यार, अब अखबार से कौन डरता है गाइस, बट आप ही आपने देखा था ये डरता है लिटरली। अभी गाइज करते हैं वेट, एंड सीधा तो वहीं पे मिलते हैं यार, नहीं तो ना दो के वापस मिल सकते हैं, बट अभी ना उसके पास अपने नए डॉग के पास चलेंगे गाइज, क्या क्यूट डॉग है गाइज। तभी गाइज यार मस्त हो चुका हूँ फाइनली यार, ना दो के रेडी, एंड रोमियो का ना सारा काम कंप्लीट कर दिया, दाना वगैरह कचरा सब कुछ, एंड अभी ना मामा जी कुछ काम गए हैं, मामा जी कह रहे हैं बस 5 मिनट के अंदर आ रहा हूँ, एंड उसके बाद चलते हैं गाइज उन मामा जी दुकान, एंड अपने मिलने यार, समझ जाओ अब ऊपर सुनाई दे सकती किसी को, एंड गाइज अभी निकलते हैं फटाफट यार, मामा जी कहीं वो निकल ना जाए बस, मेरे साथ नहीं निकलेंगे अभी तक, 8:30 ही हुए नहीं है, और मामा जी अभी तक 8:20 समथिंग हुए हैं, एंड मामा जी आएंगे 5 मिनट का कह रहे हैं तो 10 मिनट के अंदर तो आ ही जाएंगे, 8:30 आ जाएंगे, फिर भी मामा जी वो तो लेट ही जाते हैं घर पे यार, अभी वेट करते हैं गाइज, निकलते हैं फटाफट, मिलते हैं वहीं पे, एंड आपको दिखाता हूँ गाइज मैं भी एक्साइटेड हूँ यार, मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं यार कुत्ते, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं यार, क्या ही प्यारे होते हैं ना क्यूट, एंड यहाँ पर क्या ना गाइज अपने पास हर वक्त आंखों के सामने, ये चेक करो गाइज ऐसा कहता ना तो क्या ही खतरनाक हो जाता ना, बट अभी देखते हैं गाइज जो होता है ना होते नहीं रहते, एंड अभी चलते हैं फटाफट मामा जी की दुकान, वहाँ पे तो देख लें यहाँ पे तो नहीं आ सकता। तो अभी फाइनली मस्त पहुँचा था मामा जी की दुकान, एंड ये चेक करो अपना पप्पी आ रहा है मेरे पीछे पीछे गाइज, इतना ज़्यादा कहना मानता है ना ये मेरा, सो लकी यार ये मेरे को मिला पप्पी,
अभी तक मेरे भाई को पता नहीं है गाइस, कल ब्लॉग अपलोड करूँगा तो सरप्राइज हो जाएगा। एंड उसके बाद ना मेरे को पक्का कॉल करने वाला है तुरंत ही। एंड क्या ही क्यूट है, आजा मामा जी जा रहे इधर। तो अभी गाइस मस्त है ना, इसको ऊपर बिठा दिया। ये देखो नीचे जाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं यार। एंड मामा जी कह रहे हैं कुछ भी मत करना इसके साथ, फोटो वीडियो कुछ भी नहीं बनाना, बट मैं आपके साथ बना रहा हूँ। प्लीज मामा जी को मत कहना, आप नहीं कहोगे ना मामा जी को, नहीं कहोगे ना। आ जाओ इधर आओ, यही गिरेगा इधर इधर आजा आजा, दाना देता हूँ। तो गाइस दूर ही दूर जा रहे, देखते रहे आप, आ ही नहीं रहा वापस। तो भी गाइस मामा जी तो फाइनली यार घर पे निकल चुके हैं। एंड मैंने आपको थोड़ा बहुत अपना डॉग दिखाया था गाइस, एंड वो अभी ना उसके अंकल के घर पे छोड़ के आ जाऊँ। गाइस अभी पता चला मेरे को उनके पास भी ना एक जर्मन शेफर्ड है गाइस, वो आपको कल या कभी दिखा दूंगा अपने आप। बट उनके पास यार जर्मन शेफर्ड है, एक जर्मन शेफर्ड हो गया, एक ये लेब्रा हो गया गाइस, दोनों साथ के अंदर मस्त खेल रहे हैं। एंड अभी गाइस घर पे चलते हैं बिकॉज लेट हो रही है, रात के बज चुके हैं 10 और मामा जी तो घर पे निकल चुके हैं, मैं भी निकल रहा हूँ। दुकान जस्ट बढ़ाई है अभी, लॉक वगैरह सब कुछ दे दिया, निकलते हैं गाइस एंड मिलते हैं घर पे। तभी गाइस फाइनली मस्त पहुंचा था घर पे। एंड मामा जी ना गाइस कार्तिक और तुमको इतना ज़्यादा भी डांट पड़ रही है ना, बिकॉज वो पढ़ाई वगैरह तो कुछ करते नहीं है, ऐसे मस्त खेलते हैं। अभी मामा जी ने कुछ खाओ घात मैंने के बाद तो उन्होंने कुछ किया नहीं होगा पता नहीं गाइस, बट कार्तिक और कुंजी तो ना इतनी ज़्यादा डांट पड़नी है ना, अभी दोनों वहीं पर सुन रहे हैं यार, सुननी तो पड़ेगी बिकॉज वो काम वगैरह तो कुछ करता नहीं है कार्तिक। एंड कुछ तो मस्त बैठे हैं अपने, अभी कुछ पता नहीं गाइस, मैं तो आया हूँ जस्ट, पहले करता हूँ खाना पीना कंप्लीट एंड उसके बाद ना नानी जी आपको दिखाता हूँ। पहले नानी जी आज देखो गाइस काम पे सोए हुए हैं, चुपके से दिखाने पड़ेंगे गाइस ये चेक पे। अभी ना नाना जी यहीं पे आने वाले हैं, एक बार अंदर सोए हैं बट अभी नाना जी भी यहाँ पे आने वाले हैं। एंड नानी जी यहाँ पे मस्त सो रहे हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा दिल बोल रहा हूँ ना। मामा जी बैठे यार सामने वाले कमरे के अंदर, हाँ तो पंखे वगैरह चलते रहे तो इतना ज़्यादा धीरे नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा तो तेज़ बोल सकता हूँ क्योंकि आवाज़ है ना उनके तक जा नहीं रही है, बाहर एक पंखा भी चल रहा है ना उस कारण गाइस। अभी करते हैं खाना पीना कंप्लीट एंड मिलते हैं गाइस। तो अभी गाइस यहाँ मस्त खाना पीना कंप्लीट हो चुका था एंड अभी ना मैं तो मस्त सो चुका हूँ। एंड अभी याद आया गाइस वीडियो को ना अभी एंड भी करना है, मैं तो सो गया था यार, वो तो नींद ही आने वाली थी तभी अचानक से याद आ गया। एंड अभी वापस सोता हूँ गाइस, नानी जी देख रहे हैं अभी तक ना मस्त अपनी रामायण। एंड कार्तिक आज बाहर सोए हुए उस चारपाई पे, नाना जी तो अंदर ही सोए हुए, बाहर तो नहीं सोए आज पता नहीं क्यों, बट कार्तिक वहाँ पे सो चुका गाइस। एंड मैं अपना मस्त अंदर आके सो चुका हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा एंड अच्छा लगे वीडियो को ना लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना गाइस। एंड गाइस सबसे बड़ी बात है ना आप अपना सपोर्ट बनाए रखो, और अब क्या ही बताऊँ गाइस, बस आप अपना सपोर्ट रखो, मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में, तो बाय बाय।